वेलकम टू अवर हिंदी क्लास। बच्चों आज हम सीखेंगे आ की मात्रा। आपने अब तक सीखा है स्वर, व्यंजन और बिना मात्रा के दो और तीन अक्षर वाले शब्द। आज हम क्या सीखेंगे? आ की मात्रा। ये मात्रा कहाँ से आती है? स्वर की मात्रा होती है। क्या होती है? स्वरों की मात्राएं होती है। जो हमारे स्वर, जो वर्ण हैं, उनके हर एक वर्ण का एक मात्रा होता है। तो हर एक मात्रा चिन्ह आपको याद रहना चाहिए। तो आ की मात्रा का चिन्ह कैसा होता है? ये एक खड़ी रेखा होती है। ये जो लाल पिंक कलर में जो आपको दिख रहा है, ये है आ की मात्रा। और आपको पता है कि ये जो मात्राएं होती है, ये जो स्वरों की मात्राएं जो होती है, इसमें एक मैजिक होता है। वो कैसे? ये जब किसी व्यंजन वर्ण में जाकर के जब मिल जाता है, जब हम उन वर्णों को साथ साथ बोलते हैं, तो उस वर्ण का स्वर चेंज हो जाता है। ओके, तो हम ये मैजिक करते हैं आज, आ की मात्रा का मैजिक। ओके, शुरू करते हैं। यहां पर एक वर्ण लिखा हुआ है, कौन सा? क। कौन सा वर्ण है? क। और ये आ की मात्रा का जो स्वर है वो हम किस तरीके से बोलेंगे? आ। जैसे हम आ बोलते हैं, वैसे ही उसकी जो मात्राएं जब साथ में बोलते हैं तो हमें आ करके बोलना है। ओके, तो ये है वर्ण क। और क में जब आ लग जाता है, दोनों को हम मिलाएंगे, क आ का। इस तरीके से लिखेंगे हम। आ की मात्रा लगा इसमें, व्यंजन के जो व्यंजन वर्ण है इसमें जब मात्रा लगाते हैं, वर्ण के बाद हमें लगाना है। ओके, तो हमें साथ साथ बोलना है। ये है वर्ण त, इसमें हम आ की मात्रा लगाए, त आ ता। क्या बोलेंगे? त आ ता। ये है ल, ल में हमने आ की मात्रा लगाई और हम साथ साथ बोलेंगे ल आ ला, ल आ ला। ये है ह, ह में आ की मात्रा लगाई तो हम साथ साथ इसको बोलेंगे ह आ हा। फिर से बोलो ह आ हा। ये है वर्ण न, न में आ की मात्रा न आ ना। जब हम आ की मात्रा के साथ बोलते हैं तो मुंह खुलना चाहिए आ। नेक्स्ट वर्ण है ग, ग में हमने आ की मात्रा लगाई तो ग आ क्या होगा? गा। ये है म, म में आ की मात्रा लगाई हमने, म आ मा। देखो यहां पर अलग अलग, यहां पर मिला करके लिखना है। प आ की मात्रा, प आ पा। ये है भ, भ में आ की मात्रा, मिला करके लिखेंगे भ आ भा। और ये है च, च आ चा। देखा बच्चों, बहुत ही इजी है, बहुत आसान है इसे समझना। आ की मात्रा किस तरीके से होती है? एक खड़ी रेखा होती है और वो हर वर्ण के, जो भी वर्ण में हमें आ की मात्रा लगाना है वो कहाँ लगेगा? वर्ण के बाद लगेगा, क आ का। ओके, इसी तरीके से हम अभी सारे जो व्यंजन है उनको एक बार सारे मात्राएं लगा करके उसे रीड करते हैं। आ की मात्रा का, खा, गा, घा। इंगा खाली, ये इसमें कोई मात्रा नहीं आती है, इसे हम ऐसे ही छोड़ेंगे। चा,
छा जा झा। इया को भी हम खाली छोड़ेंगे, इसमें भी कोई मात्रा नहीं आती है। इसके बाद टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा, शा शा सा हा, क्षा त्रा ग्या श्रा। इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। जो लाल लाइन है वो आ की मात्रा है, तो इस तरीके से आपको लिखना है।